जैसे पहले मुझे आप क्वेश्चन ही बताओ आपके पास एक बेंजीन है और मैंने आपको इस तरह से दे दिया बताओ प्रेजेंस में बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ बताओ या प्रोडक्ट बन सकते हैं तो क्या होगा सबसे पहले सी एल से ये करेगा, हो अब तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा मतलब दोनों टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं ना विदाउट रीअरेंजमेंट वाला भी आपका अटैच हो सकता है और रीअरेंज भी होगा पर आपको पता है मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला आपका बोलो कौन सा होगा मेजर हो तो प्रोडक्ट ये रीअरेंज वाला जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन हुआ है ना तो रीअरेंज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि कार्बोकैटाइन जनरेट हो रहा है ना? तो यही आपका क्या है यही आपका पॉइंट है ना? चलो, लो लिख जल्दी से फर्स्ट पॉइंट लिखो कार्बोकेटाइन जनरेट ड्यूरिंग रिएक्शन So that कोई बंजिन है जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप अटैच है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अटैच करूं और आपने रिएक्शन करा दिया जैसे मान लो सी एस थ्री सी एल और ए एल सी एल थ्री के साथ फीडर क्राफ्ट एलकाशन है समझ में आ रहा है फीडर क्राफ्ट कलेक्शन होने वाला है तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रो है। तो देखो याद रखो बहुत, है, है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो फीडर क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है क्यों नहीं होता है इसका रीजन ये है कि देखो एल्काइल ग्रुप जो आप बनाते हो ना आर प्लस जो बनाते हो एल्काइल ग्रुप जब इलेक्ट्रोफाइल होता है तो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है

तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो फीडा क्राफिशन नहीं आपको। तो है आपको ठीक है तो लिख लो जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट है डेरिवेटिव्स हैविंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप डू नॉट शो

जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आपको पता है एनओ टू हो गया साइनाइड हो गया है ना या फिर आपके पास एनआर थ्री प्लस टाइप का हो गया है ना कोई भी एन एच आर टू प्लस हो गया एन एच थ्री प्लस हो गया ये सब टाइप के कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो फीडर क्राफ्ट रिएक्शन आपका नहीं होता है है ना चलिए दो पॉइंट लिखिए जल्दी से फिर आगे और पॉइंट्स लिखते हैं ओके सब ना चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर थर्ड पॉइंट पे थर्ड पॉइंट है आपके पास कि जैसे मानो एनिलीन है एनएच टू या नाइट्रोन एडमिट एन एच टू एन एच आर एन आर टू कोई भी अटैच है एनिंग वाले कंपाउंड्स है इसका रिश्ता आपने करा दिया फीडर क्राफ्ट रिएक्शन के साथ है ना? कोई भी आरसीएल लिया इन प्रेजेंस ऑफ एल सी एल थ्री बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो बता सकते हो? बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा तो देखो याद रखना अगर आपके पास एनएच ग्रुप अटैच है, है तो भी फीडर क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिंग ग्रुप के साथ नहीं होता था वो ठीक है पर यहाँ पे वाला है नहीं, ना, वाला है, तो यहां क्यों नहीं हो रहा है तो देखो यहाँ पे रीजन क्या है आपको पता है नहीं मतलब क्या करेगा एल सी एल थ्रीड है एनएसिक है तो क्या करेगा ये क्या करता है ये खुद ही जाके अटैच हो जाता है जैसे ही एल सी एल थ्री के साथ अटैच होगा क्या बन जाएगा आपका बनेगा NH2, ALCL3, NH2 plus, minus, इस तरह से फॉर्मेशन कर लेगा तो एन एच टू और आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ फिर नहीं होती है ए एल सी थ्री के साथ है ना विड्रॉइंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा ठीक है तो ये वाला पॉइंट भी याद रखना लिख लो डेरिवेटिव हैविंग एनएच टू ग्रुप या फिर एनएचआर और एन आर टू ग्रोप्स ऑल्सो डू नॉट शो फीडर क्राफ्ट रिएक्शन है ना फीडर क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अच्छा अब आप देखो आपके पास बेंजीन है मान लो आपने बेंजीन से रिएक्शन कर दिया जैसे मैंने करता हूं मैं सी एस थ्री सी एस टू सी एल इन प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री है ना कोई भी आर ग्रुप ले लिया आर सी ले लिया ELCL3 ले लिया बेंजीन ने सिंपल तो आपने क्या करा रहे हो फीडर क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हो आप लोग ठीक है तो फीडर क्राफ्ट रिएक्शन आपने कराया तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इधर जाके, जाके अटैच हो जाएगा इस पर है ना कैटाइन बनेगा और जाके अटैच हो जाएगा ठीक है सिंपल यही चाहते हैं आप लोग है ना अच्छा रिएक्शन आपने क्यों कराया होता क्योंकि आपको इथाइल बेंजीन चाहिए होगा तभी तो आप रिएक्शन करा रहे हो फीडर क्राफ्ट का इथाइल क्लोराइड के साथ है ना पर होता क्या है इथाइल बेंजीन तो बन जाता है पर जैसे ही इथाइल बेंजीन बनता है अब इथाइल बेंजीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो गया क्योंकि डोनेटिंग वाला ग्रुप अटैच है बेंजीन तो अगली बार जब कैटाइन बनता है

पेरा पे अटैच हो जाएंगे या फिर आपका अटैच हो जाएगा अब दो ग्रोप अटैच हो गए तो और ज्यादा एक्टिव हो गया है ना तो और ज्यादा स्टार्ट हो जाता है फिर क्यों क्योंकि ज्यादा क्या होता जा रहा है होता जा रहा. तो पॉलीअलिटेड प्रोडक्ट बन जाते हैं बहुत सारे मोनो सब्सिट्यूटेड्यूटीटेड इतने सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं और सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है है ना तो एल्काइलेशन बहुत अच्छा मेथड नहीं है ठीक है ना रीजन क्या है यही पॉली एलकाइलेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पॉलियलकाशन का तो लिख लो इस प्रॉब्लम पॉली एल्काइलेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना Because formed product is more reactive than benzene. ठीक है ना तो ये रीजन है बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो लिख तो जल्दी से इतना अच्छा देखिए फिर हाँ, समर्थ को क्या डाउट है मेटा पे अटैच मेटा पे अटैच नहीं होता है उसकी टेंडेंसी बहुत कम होती है बहुत कम होता है ना के बराबर क्योंकि ये सब मेटा वाले ग्रुप्स नहीं होते हैं और तो पैराचि बोलते हैं उनको आएगा अभी टॉपिक है ना टॉपिक्स की रिएक्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे इसको आगे अभी तो बेजी वाली बात कर रहे हैं इसलिए डेरीविटि की रिएक्शन नहीं देख रहे हैं हम लोग ठीक है चलो देखो जल्दी से हो गया कंप्लीट देख लिया सत्य किसको डाउट है साठ तक को क्या डाउट है ये अगर रिएक्शन और समझाना चलो बताते हैं देखो ऐसा है इस रिएक्शन में कि आपके पास जैसे मैंने बेंजीन का रिएक्शन कराया है ना फीडर ग्राफ्ट रिएक्शन कराया जैसे सी एस थ्री सी एल ई एल सी के साथ तो मैं क्यों कराऊंगा रिएक्शन इसलिए कराया जाएगा ताकि मुझे ये वाला प्रोडक्ट टॉलुन चाहिए होगा तभी तो कराऊंगा मैं करा क्राफ्ट रिएक्शन है ना पर टॉल तो बनता है टॉलुइन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे डाई प्रोडक्ट बन जाते हैं इस तरह के है ना? जिसमें दो सी एस टी ग्रोप अटैच हो रहे हैं या फिर जिसमें तीन सी एस डी वाले ग्रुप अटैच हो रहे हैं या चार ग्रुप अटैच हो रहे हैं ऐसे बहुत सारे सब्सिट्यूटेड वाले प्रोडक्ट बन जाते हैं हर तरह के प्रोडक्ट बन जाते हैं है ना इसको बोलते हैं पॉली पॉलीअलिशन है ना तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप क्या करोगे इतने सारे प्रोडक्ट्स का

ना इक्वलेंट मोल्स में तो फिर तो पॉलीकाइलेटर बनेगा ही बनेगा इक्वलेंट तो भूल ही जाओ बहुत लार्ज अमाउंट में आपको बेंजीन लेना पड़ेगा टू प्रिवेंट पॉली एलकाइलेन वी टेक बेंजीन इन लार्ज अमाउंट बेंजीन इन लार्ज अमाउंट है ना तो वन वन इक्वलेंट नहीं मतलब जैसे ही कैटाइन बने तो उसको हमेशा रिएक्शन के लिए क्या मिलना चाहिए उसको हमेशा रिएक्शन के लिए केवल, और केवल बेंजी नहीं दिखना चाहिए इसको 50 रेशो में लिया जाता है. सोचो इतना हाई अमाउंट में आपको बेंजीन लिया जाता है तब जाके आपका एक सिंगल सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट आप सोच सकते हो कि हाँ यही बनेगा है ना इतना लार्ज अमाउंट में यूज किया जाता है

चलिए हमें तो क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन बताइए फिर आप लोग पढ़ लिया आपने सारे पॉइंट्स चलो तो अच्छा सारे पॉइंट्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ ये तो हो गई फीडर क्राफ्ट रिएक्शन की बात है ना देख और भी आपके मेथड हो सकते हैं जिससे आप एलकाशन कर सकते हो है ना आपको क्या चाहिए एल्कालिशन करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए ना आर प्लस तो आर प्लस बनाने के तो और भी तो मेथड्स हैं तो और भी आप लोग क्या बना सकते हो और भी सोर्सेज हैं आपके आर प्लस बनाने के तो देखो कौन कौन से हैं तो देखो सोर्सेज ऑफ आर प्लस कौन कौन से हो सकते हैं फीडर क्राफ्ट तो पढ़ ही लिया आपने जैसे आप कर सकते एल्कोहल का रिएक्शन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर दो तो आपको पता है क्या बनेगा बताओ तो जैसे जैसी एल्कोहल एसिडिक में डालोगे तो ऑक्सीजन का क्या हो जाता है प्रोटोनेशन हो जाता है वो, वो बन जाता है लिविंग ग्रुप एच टू प्लस यहाँ से एच टू रिमूव होगा <coughs> और आपका कैटाइन फॉर्म हो जाएगा बन गया आर प्लस अब जैसे आर प्लस बनेगा वो जाके बेंजीन से अटैच हो जाएगा है कि नहीं तो यहाँ भी अल्का हो सकता है ठीक है तो और भी बहुत सारे मेथड है कराने के ऐसे आप एल्लेक्शन करा सकते हो या कोई भी एल्कीन ले सकते हो आप लोग किसी भी टाइप का एल्कीन पर रिएक्शन कर तो एच प्लस का तो क्या करता है एल्कीन जैसी न्यूक्लियोफिलिक टाइप का है तो एच प्लस पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा कैटाइन बन जाएगा और ये कैटाइन वापस से देखो बन गया इलेक्ट्रोफाइल तो आप फर्दर बेंजीन से फिर से रिएक्शन करा सकते हो तो बहुत सारे मेथड्स से आर प्लस बनाने के ठीक है ना तो इससे भी आप लोग एल्कलेशन करा सकते हो इन मेथड से भी ठीक है चलो देखो इतना फिर आगे क्वेश्चन पे आते हैं Okay, चलो तो क्वेश्चन करते हैं अब इससे है ना ठीक है क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन है आपके पास बेंजीन है तो बताते हैं आप क्वेश्चन है ना मैं डिफरेंट टाइप के रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे रिएजेंट्स चलिए बताइए बताओ जल्दी से देखो क्या आंसर आता है सब में

तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया ठीक है सेकेंड में भी वही है सीएल अटेगा कैटन बनेगा इस बार तो सीधा ही अटैच हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है वो ठीक है थर्ड में रिएक्शन कराओगे एच प्लस अटैच होगा कैटैन बनेगा फिर वापस से सेम प्रोडक्ट बन जाएगा देखो बताओ कर सकते हो तीनों में है ना चलो फोर्थ बताओ फोर्थ में क्या होगा सबसे पहले एच प्लस अटैच होगा है ना इधर कैटाइन बन जाएगा या एच प्लस अब कैटाइन क्या कर सकता है हो सकता है तो हो के चला जाएगा, थ्री डिग्री पे चला जाएगा। और फिर ये, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ये वाला बोलो सही है ना ला सकते हैं रियरेंज करा के देख लो बस उसको क्या करना है जैना? तो क्या बनेगा फाइनल बेंजीन से कैसे अटैच होगा तो बेंजीन है तो इस वाले कैटाइन को अटैच कर दो इधर ये वाला ये वाला कैटाइन जो है आपका हो गया अटैच ठीक है नेक्स्ट वाले में क्या होगा नेक्स्ट में देखो सी रिमूव होगा यहाँ कैटाइन बनेगा अब क्या होगा मिथाइल शिफ्ट होगा इस तरह से यहाँ कैटाइन बन जाएगा अब ये फाइनल कैटाइन है अब जाके बेंच अटैच कर दो इसको ठीक है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनली आपका बताओ तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ऐसा बनेगा बेंजीन इससे आप ये वाला ग्रुप अटैच कर दो और इधर आपका ये वाला ग्रुप है. देखो इस तरह से कहते अटैच हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट है तो सिंपल ही है या तो फाइव मेंबर वाला बेंजीन से क्या अटैच हो जाएगा ये फाइव मेंबर वाला केटाइन अटैच हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट में क्या होगा सबसे पहले केटाइन बनेगा ये टू डिग्री वाला

ये सिक्स वाला ग्रुप आपका इस तरह से अटैच हो जाएगा ऐसे बस बन गया किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से से क्वेश्चन वाला फिर से हमारा आवाज नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन मैं से से भी भी वाला क्वेश्चन, ठीक है फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है आपका फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपके पास इस तरह से क्लोरीन है।, है, ना? तो क्या करोगे आप क्लोरीन कटाओगे यहां से क्या बनेगा कैटाइन बन जाएगा अब क्या करोगे रियरेंज कराओगे तो रीअरेंज क्या होगा मिथाइल शिफ्ट होगा तो क्या बन गया इधर ऑलरेडी मिथाइल चला गया या प्लस आ गया बस इसी को तो बेंजीन पर टच करा दिया और क्या किया है? बोलो करा सकते हो यस yes, सर बस तो यही करना है आपको का अरेंजमेंट करके उसको अटैच कराते आना बस चलो बना लो जल्दी से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं है ना तो सर। और क्वेश्चन करते हाँ जी बोलिए लास्ट वाला एक बार बताइए ना फिर से कौन सा लास्ट वाला सबसे लास्ट तो इसमें क्या है सी को रिमूव कर सकते हो कैटैन बनेगा फाइव मेंबर के आउटसाइड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. तो डी अरेंज होके सिक्स मेंबर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो और जाके फिर बेंजीन जी से अटैच हो जाएगा देखो ये रहा गया अटैच बताओ है ना सिंपल ठीक है होंगे हैं हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन है हाँ जी चलिए ये क्वेश्चन है बनाओ जो जिससे देखो क्या प्रोडक्ट आता है ओके okay. बताओ सेकंड में क्या बनेगा देखो सी एल रिमूव यहाँ से और सी एल रिमूव तो क्या हो जाएगा कैटाइन आएगा और बस इसी पे क्या करोगे पे देख हाँ अटैच करा दोगे इसे ठीक है नहीं तो यहाँ कैटाइन बनेगा ओपन जिन से आके अटैच हो जाएगा तो ये फाइनल आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ठीक है चलो थर्ड वाले में वही करना है आपको तो. क्या करेंगे ओ रिमूव होगा इस बार है ना ओ रिमूव होगा तो क्या बनेगा आपका

तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा इस तरह का कोई इलेक्ट्रोफाइल आप लोग यूज़ नहीं कर होते हैं या, होते हैं, वो क्राफ्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। या उनसे कैटर का फॉर्मेशन नहीं होता इलेक्ट्रोफाइल आप उनसे नहीं बना सकते ठीक है याद रहेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ना और एक बार रिपीट कीजिए ना रिपीट करने के लिए ऐसा है कि एराइल एंड विनाइल हेलाइट डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या ऐसे लिखो डू नॉट पार्टिसिपेट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना या डू नॉट फॉर्म ऐसे लिख सकते हो डू नॉट फॉर्म On reaction with किसी भी तरह से बोल सकते हो आप तो अगर कहीं भी रेजोनेस्टम से अटैच है क्लोरिन वगैरह हेलोजन तो ई एल सी एल थ्री उसको रिमूव नहीं कर पाता है ना कैटाइन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा अगर इलेक्ट्रोफाइडी नहीं बनेगा तो फिर रिएक्शन कहाँ से होगी आपको रिएक्शन के लिए तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना तो इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर ही नहीं पाता है अगर डबल किसी कार्बन से अगर अटैच है तो आप हेलोजन। तो सीएल आपके पास सीएल सीएल थ्री है दोनों पे केटाइन बन जाएगा इस सीएल को भी रिमूव करो यहाँ रिम करो दोनों पे केटाइन बना दो और बस बेंजीन से आके अटैच करा दो पहले एक अटैच होगा ग्रुप फिर दूसरा वाला ग्रुप भी जाके अटैच हो जाएगा इससे तो इस टाइप का आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बोलो सकते ठीक है लास्ट में क्या है यहाँ से सीएल रिमूव होगा केट बनेगा और बेंजीन से आके अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा बेंजीन से एक बीच में सी एच टू है और एक और बेंजीन है पी एच लिख देते हैं इसको चलो ठीक है तो ये आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो अभी सर लास्ट सेकंड में वो अटैच कैसे होगा वो, वो अटैच ऐसे हुआ ऐसे ऐसे ही ना कैटन यहाँ प्लस चार्ज था यहाँ प्लस चार्ज था ऐसा ही था हाँ सर समझे। तो कर सकते हो है ना तो क्या होगा तो इधर बेंजीन से आके अटैच हो जाएगा इधर भी अटैच हो जाएगा इसे चलो ओके कंप्लीट देख लो जल्दी से सर हाँ जी बोलिए सर वो थर्ड में जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है h2o निकलने के बाद तो वो रिअरेंज हो सकता है ना ऊपर वाले कार्बन पे क्यों होगा रिअरेंज वहाँ पे ऊपर वाले कार्बन पर सर ये ऑलरेडी स्टेबल है इससे ज्यादा स्टेबल थोड़ी ना होगा ऊपर वाले कार्बन पे ले जाओगे तो और अनस्टेबल हो जाएगा और अल्फा एच कम हो जाएंगे उसके या तो फिर भी पांच अल्फा एच है वो एच हटाओगे तो है ना सर प्लस साइज से ज्यादा मतलब हा, मतलब हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना अरे तो ऑर्डर भूल गए सब सबसे पहले का रेजोनेंस है तो पहला वो रेजोनेंस नहीं है तो फिर हाइपर कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है तो फिर इंडक्टिव पे आते हैं लास्ट में yes. आते हैं चलो बनाओ जल्दी ये किसको डाउट है हर्षवर्धन को क्या डाउट है पे होता था पैरा पे तो कोई अटैच नहीं हुआ कहाँ अटैच हुआ कहा अटैच पे? कर रहे हैं हम कोई, किसी भी क्वेश्चन में कोई पे अटैच नहीं हुआ कहीं सब ऑर्थो तो पे अटैच होते है आ रहे हैं देखो एक ग्रुप अटैच होता है एंट्रामोडीक में फिर ऑर्थो तो पे अटैच हो जाते है जाके है नहीं पैरा पे नहीं है कहीं भी चलो हो गया लिख लिया ठीक है अच्छा तो ये बता दो फिर आ, बेंजीन लिया हम लोगों ने है ना इस बार एक्सेस में बेंजीन ले लेते हैं और सी एच टू सी एल टू लेते हैं ना? -C -L भी आपके पास में है। चलो बताओ क्या बनेगा बोलो बोलो क्या बनेगा तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले बेंजीन से एक सी एल थ्री में होगा थ्री से तो क्या बन जाएगा बेंजीन से अटैच हो जाएगा सी एच टू सी एल एक सीएल थ्री में हुआ केटेन बना और अटैच हो गया है ना ऐसा बनेगा ना सी एच टू सी एल एक केटेन बनेगा अटैच हो जाएगा फिर फिर वापस से ए एल सी एल थ्री के साथ रिएक्शन होगा फिर से क्या बनेगा फिर से ये केटेन बन जाएगा और फिर से जाके बेंजीन से अटैच हो जाएगा है कि नहीं बोलो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तो बेंजीन से क्या अटैच है पहले एक कार्बन अटैच हुआ और उससे फिर से एक और बेंजीन ग्रुप अटैच हो गया बोलो कहीं कोई डाउट है तो बताओ इसमें दो सील है ना तो दो बेंजीन से अटैच हो जाएंगे दो बार केटएन बनेगा दो और बेंजीन से अटैच हो जाएंगे बताओ बोलो कहीं कोई डाउट है तो बताओ कर सकते हो अच्छा इसी तरह से आकारी वाला क्वेश्चन लिया कि बेंजीन है वही एक्सेस में और सी एच सी एल थ्री है के में. तो बताओ क्या बनेगा बोलो बताओ जल्दी से तो कार्बन से तीन है हाँ तो एक कार्बन से तीनों एल हटेंगे और तीन बेंजीन जाके अटैच हो जाएंगे तो पीएच 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 ऐसा ग्रुप फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा बोलो हो जाएगा ठीक है ना चलो लिख लो जल्दी से फिर एसाइलेशन पढ़ते हैं चार्ट आउट है समर्स को एल सी थ्री एक्सेस में चाहिए हाँ है ना एक्सेस में कोई दिक्कत नहीं है उसको लिखा नहीं है तो लिख दो लो है ना बस तो हर बात देखने जरूरी नहीं है वो आप खुद से बता सकते हो चलिए हो गया कंप्लीट ठीक है चल तो ये हो गया आपका फीडर क्राफ्ट एलकाइलेशन सेकेंड होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ठीक है असाइलेशन का क्या मतलब है कि आपके पास बेंजीन है बेंजीन पे आप क्या अटैच करा दो एक असाइल ग्रुप अटैच करा दो ये वाला ग्रुप और आपका क्या बन जाएगा सीओ आर असाइलेटेड प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा है ना तो आपको इस तरह का एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए असाइल वाला ग्रुप चाहिए उसको तो क्या बोल देंगे असाइलेशन बोल देंगे है ना अच्छा इसको बनाने का मेथड क्या क्या हो सकता है कैसे बना सकते हो इसको बोलो तो देखो फर्स्ट मेथड तो ये है आपके पास है ना जो फीडर क्राफ्ट में यूज करते हैं हम है लोग आप एसिड यूज कर सकते हो एसिड एसड यूज करो इन प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री तो क्या मिल जाएगा आपको ए एल सी एल थ्री सी एल को लेकर रिमूव हो जाएगा और आपको आर सी ओ प्लस बन जाएगा तो देखो भाई सेम फिर बन गया कैटन या फिर आप एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो तो एसिड या फिर एनहाइड इन दोनों में से किसी के भी साथ आप रिएक्शन कराओ AlCl3 e थ्री का आपको असाइल ग्रुप मिल जाएगा ठीक है बोलो बताओ कहीं कोई डाउट है तो कर सकते हो ठीक है ना तो जैसे साइड ग्रुप बनेगा पता ही आपको है आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ठीक अच्छा बताओ क्वेश्चन है कि फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन में से ज्यादा बेटर मेथड कौन सा है बोलो बता सकते हो बताओ मतलब ज्यादा प्रेफर किसको करोगे असाइलेशन को करोगे या एल्कालेशन को करोगे असाइलेशन क्यों क्यों करेंगे असाइलेशन को ज्यादा प्रेफर बोलो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कैसे पता लगा रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा कार्बन पे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा वो तो ठीक है मतलब उससे मतलब नहीं है देखो मैं बताता तो हूँ बेनिफिट्स क्या है तो फ्रीडर क्राफ्ट असाइलेशन ओवर अल्काइलेशन है ना देखो वहां पे जो इसके ड्रॉबैक्स थे वो यहाँ पे ड्रॉबैक्स नहीं है जैसे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था बताओ यहाँ पे पॉलीअलेशन बिल्कुल बिल्कुल पॉलीअलेशन सबसे बड़ा ड्रॉबैक था अल्काइलेशन के टाइम पे यहाँ पे चांस ही नहीं है होने का क्यों क्योंकि प्रोडक्ट देखो जैसे ग्रुप तो हो, तो हो ही नहीं सकता है नहीं। फर्दर उस नहीं ना? तो हमेशा बेंजीन से हमेशा क्या बनता आपका बनता जाएगा पॉली एसाइलेशन का मतलब ही नहीं कहीं तो देखो हो गया सॉल्व तो लिख लो पहला पॉइंट तो कौन सा है पॉली असाइलेशन डू नॉट टेक्स प्लेस ठीक है ड्यूरिंग रिएक्शन बिकॉज फॉर्मड प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव है ना जो फॉर्म प्रोडक्ट है वो कैसा है कम रिएक्टिव है क्योंकि विडो ग्रुप अटैच है जा. फर्दर तो रिएक्शन हो नहीं हो ही नहीं सकता दूसरा है कि यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट का भी कोई झंझट नहीं है ऐसा भी नहीं कि कोई रिल्ड प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो जाएंगे है ना क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ये जो असाइल ग्रुप ऑलरेडी तो बहुत स्टेबल है किससे स्टेबल है वो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाईज है देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो आपको पता है क्या कर सकता है बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है तो एक, ये क्या करता है बैक बॉन्डिंग शो कर देता है और स्टेबलाइज कर देता है इस तरह से रेजोनेंस चलता रहता है

डू टू बैक बॉन्डिंग ठीक है तो यही दो इसके ड्रॉबैक्स थे जो यहाँ पे नहीं है तो अगर आपको चूज करना पड़े असाइलेशन और एलकाइलेशन में से तो असाइलिसन को ज्यादा प्रेफर कर दिया जाता है ना ठीक है मतलब अगर आपको एल्कालिशन भी कराना है ना तो भी एसाइलेशन के थ्रू होके करा सकते हो आप लोग ठीक है कैसे करा सकते हो तो पहले क्या किया आपने आपने तो बेंजिंग का करा दिया असाइलेशन बन गया कीटो ग्रुप अब इस कीटो ग्रुप को आप क्या कर सकते हो रिडक्शन करा सकते हो एल्केन में तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा तो देखो ये मेथड ज्यादा प्रेफर किया जाता है बजाय इसकी कि आप सीधा एल्काशन करा दो है ना असाइलिशन से एल्काशन करा सकते हो आप चलो इतना तो लिखो पहले आगे क्वेश्चन करते हैं फिर क्या डाउट है स्टूडेंट्स को बोलो कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया सेकंड सेकंड पॉइंट बस ये कि नहीं, है कि स्टेबल है वो ऑलरेडी तो रीअरेंजमेंट तो, नहीं होगा है ना एल्काइल ग्रुप में तो क्या होता था कार्बोकैटायन बनता था वो स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंज करता था हो सकता था तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ झंझट ही नहीं है रीअरेंजमेंट होने का तो पहले से बहुत स्टेबल है बैक बॉन्डिंग से है ना ये मतलब है. सर अच्छा बोलिए सर वहाँ पे असाइल ग्रुप बैक बॉन्डिंग से स्टेबल है तो फिर वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए हाँ तो होता है ना तो अल्काइल ग्रुप और असाइल ग्रुप दोनों ही वीक टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इसलिए तो मैंने जो मेन कॉमन पॉइंट्स लिखाए थे वो दोनों के लिए लिखाए थे फीडर क्राफ्ट रिएक्शन वाले याद है कि अगर कोई विडड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो क्राफ्ट एल्काइलेशन भी नहीं होता है ग्रुप भी और ग्रुप भी. ना जो कॉमन पॉइंट के लिए कॉमन है एल्काइलेशन के लिए कॉमन है और सैल्य के लिए कॉमन है कि अगर बेंजीन से कोई एन वाला ग्रुप अटैच है तो भी रिएक्शन नहीं होगा कोई विड्रॉइंग वाला ग्रुप है तो भी रिएक्शन नहीं होगा ना एसाशन होगा ना एल्काइलेशन होगा कोई भी रिएक्शन नहीं होगा ठीक है समझ में आ गया

पहले मैं इसका असाइलेशन करा दूं है ना तो क्या बन जाएगा मेरे पास COR ऐसा ऐसा ग्रुप अटैच हो जाएगा अब मैं इसका रिडक्शन करा सकता हूं तो रिडक्शन से क्या बन जाएगा ये बन जाएगा CH2R तो देखो हो गया ना एक तरह से अल्काइलेशन ही तो है ये है ना? रिएक्शन होती है जो कार्बोनिल ग्रुप को एल्किल में कन्वर्ट कर देती है ठीक है तो देखो हो गया अल्काइलेशन तो ये ज्यादा बेटर मेथड है बजाय इसकी कि आप डायरेक्ट अलकाइजेशन करा लो ठीक है समझ आया पॉइंट यस सर चल ठीक है तो जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं है ना तो क्वेश्चन है आपके पास लिखो जल्दी से क्वेश्चन हाँ जी हो गया कम्प्लीट बोलो तो देखो क्या करना है आपको बस के सी हटाना है और जो भी एस ग्रुप है उसको बैंजिंग से अटैच करते जाना है नहीं कुछ भी नहीं और कुछ नहीं करना है आपको रेंजमेंट वगैरह बस एस ग्रुप देखो कैसी थ्री है अटैच कर दो इसमें सी हटाओगे क्या बनेगा आपके पास सी सी एच टू सी एच थ्री अटैच कर दो बैंजिंग से थर्ड वाले में क्या करोगे पेंजिंग क्या अटैच हो जाएगा सी डबल बॉन्डो और जो भी एल ग्रुप है उस पर बैजिट इज अटैच कर दो है ना इस वाले में भी क्या होगा सीएल हटेगा बस इसी तरह से अटैच हो जाएगा कोई एजमिट नहीं कुछ नहीं सीधा अटैच करते हैं इधर वाले में से क्या करोगे सीएल हटाओगे तो सीओ पी एच वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा तो है ना सिंपल बोलो बस तो सीएल हटाते जाएंगे और अटैच करते आएंगे बेंजीन के साथ तो? तो बताओ ठीक yes. है चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन में अच्छा सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हो गया कोई बताएगा क्या ये बताओ कैसे हुआ ये तो कराया था ये एल्का ग्रुप जाके कैसे अटैच हो गया तो देखो क्या होगा सबसे पहले इसका आपको पता है सीएल हटेगा तो क्या बन जाएगा ये सी डबल बॉन्ड ओ प्लस ग्रुप बन जाएगा और आपको पता है बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज सी ओ वाला ग्रुप बनेगा अच्छा अगर आप सीओ ग्रुप आपको पता है सी ग्रुप भी स्टेबल मॉलिकुलर है और यहाँ पे थ्री डिग्री कैटाइन ज्यादा स्टेबल हो भी सकता है तो क्या करता है यहाँ से सीओ ग्रुप अलग हो जाता है और मोर स्टेबल कैटाइन ऐसा बन जाता है अब ऐसा वाला है, अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है बेंजीन से रिएक्शन करने के बाद ये इसी टाइप का एल्काइलेशन ही तो कर लेगा इसमें बोलो समझ आया किस तरह से हुआ है यस yes, बताओ है ना? तो वो बस एक क्वेश्चन याद रखना है है ना इस तरह से इसमें हो जाता है और बाकी सब क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है ना बस हटाते आना और आपको बेंजीन से अटैच करते आना ठीक है चल आज के लिए इतना ही है ना टाइम भी हो गया आप लोगों का और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में